प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अपन पाठ 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष में महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अंक भार 6 नंबर का है। इसमें 6 नंबर का एक प्रश्न आता है, तो आज ऐसे ही 6 नंबर वाले प्रश्नों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अंग्रेजों के आगमन के बारे में है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी ये अंग्रेजों की कंपनी थी। इस कंपनी की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा 31 सितंबर 1600 को की गई और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इसके बाद इस कंपनी ने अपना भारत में व्यापार प्रारंभ किया। मुगल सम्राट फर्रुख अशियर से सन 1717 में इस कंपनी ने 3000 रुपये के नजराने के बदले में एक शाही फरमान जारी करा लिया, जिसको दस्तक प्रणाली भी कहते हैं। इसके बाद में बंगाल में इन्होंने सबसे पहले अपना हस्तक्षेप शुरू किया। वहाँ पर सन 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, जिसको प्लासी का युद्ध कहते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सन 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत में सर्वोच्चता स्थापित हो गई। अंग्रेजों को हिंदुस्तान में दीवानी अधिकार मिल गई और अंग्रेजों की धाक भारत में जम गई और लगातार अंग्रेज विजय होते चले गए। उसके बाद अंग्रेजों को भारत की जो और महत्वपूर्ण जो शक्तियाँ थी उनको पराजित करना उनके लिए जरूरी था, जैसे कि मराठा, निजाम, सिख आदि। मराठों से अंग्रेजों के तीन युद्धों में प्रथम युद्ध में मराठों की जीत हुई और अंग्रेजों को मराठों के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसको वड़गांव की संधि कहते हैं। इसमें अंग्रेजों ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 41,000 रुपये दिए, अपने जीते हुए प्रदेश मराठों को वापस कर दिए। दूसरे युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों में फूट डाल दी और अलग अलग संधियाँ मराठों को करनी पड़ी, देवगांव की, सूरजी अर्जुन गांव की, राजघाट की आदि करनी पड़ी। इसके बाद तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों की सारी शक्ति को नष्ट कर दिया और पेशवा को पेंशन देकर के बिठूर भेज दिया गया। इसके बाद में 4 युद्ध निजाम के साथ हुए। प्रथम युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया। दूसरे युद्ध में हैदर अली युद्धकर्ता मारा गया और उस युद्ध को उसके बेटे टीपू सुल्तान ने जारी रखा, लेकिन युद्ध के लंबा खिंच जाने के कारण दोनों पक्ष परेशान हो गए और उनके बीच संधि हो गई। इसके बाद तीसरा युद्ध हुआ। तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान का पहला कमजोर पड़ गया और टीपू सुल्तान को बहुत नुकसान हुआ। चतुर्थ युद्ध में टीपू सुल्तान युद्धकर्ता मारा गया और उसके बाद मैसूर साम्राज्य को अंग्रेजी राज्य मिला लिया गया। इसी प्रकार अब जो अंग्रेजों का जो दूसरा जो अगला वो था सिख साम्राज्य को अंग्रेजों ने 2 युद्धों के बाद अपने राज्य में मिला लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंग्ल सिख युद्धों का वर्णन कीजिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। 2 युद्धों में ही अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया और उसके बाद लगातार अंग्रेजों का भारत पर अधिकार बढ़ता चला गया। उसके बाद 1857 की क्रांति के बारे में है। 1857 की क्रांति जो हमारे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कही जाती है, ये क्रांति इसके कारण थे कुछ सामाजिक कारण, नंबर 2 आर्थिक कारण, नंबर 3 राजनीतिक कारण और नंबर 4
तात्कालिक कारण और सैनिक कारण आदि इस प्रकार से इसके कारण थे। सामाजिक कारण भी यह है कि अंग्रेज हमारे भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे रंग के आधार पर, तो इससे हमारे भारतीयों अंग्रेजों के प्रति नफरत हो गई। आर्थिक कारण में यह है कि वो शोषण करते थे हमारा और हमारा भारत एक कच्चे माल की मंडी रह गया, इसलिए हमारे भारत में बेरोजगारी फैल गई। राजनीतिक कारण में यह है कि राजाओं को गोल देने पर निषेध कर दिया उन्होंने और राजाओं को परेशान करने लगे आदि कारण थे। तात्कालिक कारण सैनिक कारण यह है कि सैनिकों का प्रमोशन नहीं किया जाता था, इस प्रकार से उनको परेशान किया जाता था। चौथा कारण यह है, पांचवा कारण तात्कालिक कारण में यह है कि अंग्रेजों ने एक विशेष प्रकार की राइफल चलाई जिसका नाम एनफील्ड राइफल था। उस राइफल को चलाने से पहले उसके कारतूसों को निकालने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था। इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी और इसका जो भड़क है वो हमारे देश के मंगल पांडे सैनिक को पड़ गई और उसने बैरकपुर की छावनी में विद्रोह कर दिया। इस प्रकार से ये क्रांति के कारण है। ये क्रांति सबसे पहले मेरठ से शुरू हुई, मेरठ से। इसकी जो डेट थी वो 31 मई थी, लेकिन ये 10 मई को शुरू हो गई। हमारे भारत का दुर्भाग्य था समय से पहले इसकी शुरुआत हो जाना। रोटी और कमल के फूल इसके चिन्ह थे। ये क्रांति पूरे भारत में फैली। कानपुर में नाना साहब ने, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया, लखनऊ में ब्रजेश कदर ने और संपूर्ण भारत की क्रांति का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। तो इस प्रकार से इनके बारे में बताया। अब मैं तुमको हमारे भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में बता दूं जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनके बारे में बता दूं। चापेकर बंधु, ध्यान रखें, चापेकर बंधु, श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक सावरकर, दामोदर सावरकर, ये क्रांतिकारी थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पितामह कहा जाता है। ये चापेकर बंधु महाराष्ट्र के तीन बंधु थे, इन्होंने प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या कर दी। श्यामजी कृष्ण वर्मा इन्हें क्रांतिकारियों का पितामह भी कहा जाता है, इन्होंने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की। विनायक दामोदर सावरकर महान स्वतंत्रता सेनानी थे और अपने कॉलेज के जीवन में ही इन्होंने क्रांतिकारी संगठन बना लिया, मित्र मिला नामक एक संगठन बनाया। इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। 1857 क्रांति को इन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके इन्हें काले पानी की सजा यानी अंडमान की सेलर जेल में रखा। बाद में इनको बीमार पड़ने पर पुणे में रखा गया और इनके बारे में कही जाती है कि इन्हें दो जन्मों की सजा हुई। तो इस प्रकार से मैंने आपको भारत के महान क्रांतिकारियों के बारे में बताया। अब मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करवा दूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये हमारे भारत का एक राजनीतिक दल है, जो सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। सर ए ह्यूम के निर्देशन में इसकी स्थापना हुई। डब्ल्यू सी बनर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया प्रथम बार। मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में इसका अधिवेशन हुआ और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत के सभी लोगों को एक मिलने जुलने का अवसर हो मिले इस मंच के माध्यम से, इस दल के माध्यम से। और इस दल के माध्यम से अंग्रेज भारत के लोग अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों को रख सके। बाद में ये दो भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल, और इस प्रकार से इनमें वैचारिक मतभेद हो गया। विभिन्न समय पर इसके अधिवेशन हुए, इनके बारे में है। अब मैं आपको हमारे भारत के प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में बता दूं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनजातीय में सन्यासी, कोल, संथाल, भील, ये एक बढ़िया प्रश्न है। जनजातीय आंदोलन भारत का, जनजातीय आंदोलन, इनमें सबसे पहला सन्यासी, भील, संथाल, कोल आदि। सन्यासी, सन्यासी लोग बंगाल में रहते थे। इनका काम कृषि करना था और खेती के काम के बाद ये लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे, तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया तथा इसके अलावा इन पर लगान बढ़ा दिया। इसके कारण ये नाराज हो गए और लंबे समय तक अंग्रेजों के साथ इनका संघर्ष चला। इसी प्रकार भील, ये जंगलों में रहने वाली जाति थी और अंग्रेजों ने जो अत्याचार ज़्यादा किए तो इन्होंने भी अपना विद्रोह किया। संथाल, संथाल जाति का नेतृत्व सिंधु और कानू नामक दो भाइयों ने किया। ये लगातार इन
इनके ऊपर अत्याचार होने लगे तो सिंधु और कानू दो भाइयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी और बाद में अंग्रेजों को अलग से संथाल परगना बनाना पड़ा। इसी प्रकार कोल जाति के लोगों ने भी विद्रोह किया। तो ये जनजातीय लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान होकर के अंग्रेजों के साथ संघर्ष किए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में जनजातीय आंदोलन के बारे में लिखिए। इसके बारे में आपको आगे बता दूं, अब देखो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसमें महत्वपूर्ण बिंदु भी आते हैं। 1919 से 1945 तक की घटनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो सन 1919 में अंग्रेजों ने हमारे भारत में एक ऐसा कानून बनाया जिस कानून के द्वारा किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1919 में अंग्रेज सरकार ने यह कानून बनाया रॉलेट एक्ट। इस कानून के द्वारा किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और इस कानून के द्वारा हमारे देश के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। इस कानून को हमारे भारतीयों ने काला कानून कहा, बिना अपील बिना दलील बिना वकील का कानून भी कहा। इस कानून का हमारे देश में पूरे देश में विरोध हुआ और इस कानून का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक आम सभा हुई। उस शांतिपूर्ण आम सभा के ऊपर एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने बिना सूचना दिए ही गोलियां चलवा दी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत घायल हो गए। इसे इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो पहली जो घटना थी रॉलेट एक्ट का निर्माण, रॉलेट के विरोध में फिर ये सभा हुई और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन प्रारंभ किया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से पहले एक आंदोलन और हुआ जिसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं। खिलाफत आंदोलन, हिंदू मुसलमानों में एकता करने के लिए महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में सहयोग किया जिससे कि हिंदू मुसलमानों में एकता हो सके और इस आंदोलन के बाद में महात्मा गांधी ने एक देशव्यापी बड़ा आंदोलन चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आंदोलन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, क्योंकि महात्मा गांधी के मन में एक विचार था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का जो शासन चल रहा है वो हिंदुस्तानियों के सहयोग से चल रहा है। यदि हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे तो कुछ ही समय में अंग्रेजों का हिंदुस्तान से साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदू स्वराज में भी इसके बारे में लिखा। तो असहयोग का शाब्दिक अर्थ होता है सहयोग नहीं करना, नहीं करना। असहयोग आंदोलन किसने चलाया, महात्मा गांधी ने। शाब्दिक अर्थ सहयोग नहीं करना। ये आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, विदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, विदेशी उपाधियों को लौटाना, विदेशी अदालतों में वकालत नहीं करना आदि। ये आंदोलन हमारे देश में बड़ी चरम सीमा पर चला और 1857 की क्रांति के बाद ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था और हमारे देशवासियों को ऐसी उम्मीद थी कि हमारा देश इस आंदोलन के बाद आजाद हो जाएगा। आंदोलन बड़ी चरम सीमा पर चल रहा था लेकिन एक अनहोनी घटना घटित हो गई। चोरी चोरा नामक स्थान पर भीड़ बेकाबू हो गई। महात्मा गांधी अकेले थे नेतृत्व करने में और बेकाबू होकर के चोरी चोरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार जिंदा जल गए। आंदोलन हिंसात्मक हो गया और अंग्रेजों ने हिंसात्मक हो जाने के बाद महात्मा गांधी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी ने जब आंदोलन को स्थगित किया तो हमारे पूरे देश में इसकी निंदा हुई और क्योंकि लोगों को विश्वास था कि अब देश आजाद हो जाएगा, लेकिन रोकने से
वो योजना असफल हो गई। इसके बाद में फिर दोबारा महात्मा गांधी ने आगे गतिविधि शुरू की। हमारे 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए एक दल ब्रिटेन से भारत आया, जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाया गया कमीशन था, एक आयोग था। ये हमारे भारतीय जो अधिनियम शासन अधिनियम था 1919, उसकी जांच करने के लिए आया था। इसका हमारे भारतीयों ने बहुत विरोध किया, क्योंकि इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। इस कारण हमारे भारतीय लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। जब ये साइमन कमीशन भारत में आया तो हमारे देश में गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। इस कमीशन का सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब लाहौर की तरफ ज़्यादा हुआ, लाहौर में, और वहाँ पर गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने इसका नेतृत्व किया। लाला लाजपत राय जब जुलूस के आगे चल रहे थे तो जनरल सैंडर्स ने उनके ऊपर बेतहाशा सा लाठियाँ बरसाई, और इस कमीशन का विरोध करते हुए हमारे देश के गरम दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से पहली घटना रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, इसके बाद में मैं आपको बता दूं, फिर इसके बाद पूर्ण स्वराज प्राप्ति के लिए लाहौर अधिवेशन हुआ, और अब गांधी जी ने एक नए नाम से एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है विनय के साथ अंग्रेजों की आज्ञा को नहीं मानना, विनय के साथ अंग्रेजों की आज्ञा को नहीं मानना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका शाब्दिक अर्थ है सविनय यानी विनय के साथ, अवज्ञा मानी आज्ञा को नहीं मानना। तो इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने चलाया, इसमें भी हमारे देश के सभी लोगों ने भाग लिया, लेकिन कुछ लोग थे जिनकी रुचि कम थी। और इस आंदोलन में भाग तो सबने लिया, लेकिन यह आंदोलन भी असफल हो गया और अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की इस आंदोलन के दौरान नमक कानून को तोड़ने के लिए। नमक कानून तो गांधी जी ने तोड़ दिया, लेकिन आंदोलन में पूर्ण सफलता नहीं मिली। बाद में तीन गोलमेज सम्मेलन हुए, गोलमेज सम्मेलन प्रथम असफल रहा, द्वितीय असफल रहा, तृतीय सम्मेलन में कुछ हामे हाँ मिलाने वाले नेता पहुँच गए, और इसलिए भारत को डोमिनेंट स्टेट का एक गोलमाल सा ऐलान करवा लिया। उसके बाद 1942 में महात्मा गांधी ने एक अपना अंतिम आंदोलन छेड़ा, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जब कृषि प्रस्ताव की असफलता हो गई, भारत में राष्ट्रवाद की भावना ज्यादा बढ़ गई, भारतीयों का अंग्रेजों से विश्वास उठ गया, तो महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। और इसमें हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन महात्मा गांधी के जो सहयोगी थे उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा। इस आंदोलन का प्रभाव इतना तगड़ा पड़ा कि सतारा आदि जगह पर स्वतंत्र सरकारें बनी और देश में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। अंग्रेजों को ऐसा लगने लग गया कि अब हिंदुस्तान में हमारा साम्राज्य लंबे समय तक नहीं रह सकता है, और ये इस प्रकार से ये 1919 से 45 तक की घटना है जो मैंने आपके सामने बताई। ये अब मैं इसी पार्ट के और महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में आपको बता दूं, किसान आंदोलनों के बारे में। भारत के प्रमुख किसान आंदोलन में नील की खेती करने वाले किसानों का विद्रोह। नंबर दो, चंपारण विद्रोह। नंबर तीन, पंजाब किसान आंदोलन। नंबर चार, खेड़ा किसान आंदोलन।
नंबर पांच में है दक्षिण का विद्रोह। इस प्रकार से ये किसान आंदोलन हुए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों पर अत्याचार किए जाते थे, लगान ज़्यादा ली जाती थी। चंपारण विद्रोह, चंपारण बिहार में, वहाँ पर ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी। पंजाब में साहूकार लोग किसानों की ज़मीन को हड़प लेते थे, उसके लिए पंजाब भूमि अधिनियम अधिनियम बनाया गया। खेड़ा, लगान वृद्धि के विरोध में किसान आंदोलन हुआ। दक्षिण में साहूकारों ने जब किसानों के ऊपर अत्याचार कर दिए तो पूना के पास सुपा गांव में विद्रोह हुआ। तो इस प्रकार से ये किसान आंदोलन हुए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मैं आपको राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में और बता दूं। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों में मैं आपको बिजोलिया किसान आंदोलन, वैसे क्वेश्चन पहले आ गया लेकिन फिर भी बता दूं, राजस्थान के किसान आंदोलन नंबर एक बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, नंबर तीन शेखावाटी किसान आंदोलन, नीमू चना किसान आंदोलन, यह है। और बरड़ किसान आंदोलन, बिजोली किसान आंदोलन ये बहुत लंबे समय तक चला। साधु सीताराम दास आदि ने भी पहले इसका नेतृत्व किया, बाद में विजय सिंह पथक ने इसका नेतृत्व किया और इसमें किसानों की बहुत सारी मांगें स्वीकार कर ली गई। बेंगू ये चित्तौड़गढ़ रियासत का ही ठिकाना था और इसमें वो मेवाड़ रियासत का शौर्य ठिकाना था और यहाँ के ठाकुर अनूप सिंह ने अत्याचार ज़्यादा कर दिए तो यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में शेखावाटी में राजा कल्याण सिंह ने जब 20 से 50% या लगान बढ़ा दी तो यहाँ पर ये किसान आंदोलन हुआ। यहाँ पर जाट जाति के किसान ज़्यादा थे। नीमू चाणा में किसान आंदोलन हुआ, वहाँ पर सुअर जो थे उत्पात करते थे, किसानों की फसल को नष्ट कर देते थे और बाद में सुअर मारने की इजाज़त तो दे दी गई लेकिन लगान बढ़ा दी और इस लगान बढ़ाने पर किसानों ने विरोध किया और नीमू चाणा नामक स्थान पर ठाकुर के राजा के सिपाहियों ने जाकर के और हत्याकांड कर दिया, गोलियां चला दी छज्जू सिंह कमांडर ने जाकर के, जिसके कारण इसे महात्मा गांधी ने राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा, इसको धौरी डायर शायरी भी कहा जाता है। बरड़ किसान आंदोलन भी हुआ इसी प्रकार से, ये भी लगान बढ़ाने के कारण, अत्याचार बढ़ने के कारण हुआ क्योंकि उस समय किसानों के द्वारा अत्याचारों का विरोध किया गया और तो इस प्रकार ये प्रमुख किसान आंदोलन हुए। बाद में राजस्थान की प्रमुख रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडल ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे राजस्थान की प्रत्येक रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई। प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अभिप्राय कांग्रेस अधिवेशन के बाद हुई और प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे उत्तरदायी सरकार की स्थापना, शासन की स्थापना करवाना, सामंत अत्याचारों को कम करना, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना, बेगार प्रथा का अंत करवाना आदि। सभी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई। हमारे करौली में, जयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में, सब जगह प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको पाठ तीन अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष के बारे में, मैंने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड के हैं उनकी जो मुख्य मुख्य बिंदु है उनके बारे में आपको बताया। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आज आपको मैंने समझाए हैं। इन सब का आप वीडियो को देख करके इनको समझें और अध्ययन करें। धन्यवाद।